थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल कि अगर बिल्कुल घर पे हो, कहीं बाहर नहीं जा रहे हो, ज़्यादा लोगों से मिलना नहीं हो रहा है, कोई वीडियो कॉल, कोई जूम कॉल, कोई वर्क कॉल नहीं हो रही है, या कोई भी आपके घर में, जैसे ये लॉकडाउन का टाइम है, हम लोग बहुत कम बाहर जा रहे हैं, तो वट वी कैन डू इज सीसी क्रीम ले लो, जो टेंटेड क्रीम होती है. मैं लैक्मे का मूज यूज़ क्या करती थी अपनी शादी के बाद, क्योंकि और क्या होता है कि इफ़ यू आर न्यूली मैरिड और स्पेशली तुम बहू हो, तो तुम्हें जल्दी से सारे काम करने होते हैं, जल्दी से किचन में जाना होता है. तो फॉर दैट थिंग सीसी क्रीम ले लो, लैक्मे का मूज बहुत अच्छा है वो ले लो, वो मॉइस्चराइजर की तरह पूरे फेस में लग जाता है. तो ऐसी चीज़ ले लो जो बहुत जल्दी आपका काम ख़त्म कर ले. सीसी क्रीम इज और मूज इज़ वन ऑफ दी थिंग जो आप डेली यूज़ कर सकते हो, और ज़्यादा कोई स्पंज वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, एक मॉइस्चराइजर की तरह, एक क्रीम की तरह उसको यूज़ कर सकते हो. तो आई सजेस्ट कि इफ़ यू वांट टू गो टू दैट साइड कि बिल्कुल ही सिंपल हो, और क्या कर सकते हो, सिर्फ वो सीसी क्रीम लगा के हल्का सा ये या तो लिपस्टिक को ही रब कर लो आइज पे और चीक्स पे. अगर हाइलाइटर नहीं लगाना चाहते हो तो आई हैव अनदर ट्रिक फॉर यू, लेट मी शो यू. तो अगर आपको लैशेस को लेके कुछ करना है तो आप क्या कर सकते हो, आईलैश कलर से अपनी लैशेस कर्ल कर सकते हो. अगर आप डेली मस्कारा लगाने में कंफर्टेबल हो तो मस्कारा भी अप्लाई कर सकते हो. मैं डेली मस्कारा लगाने में कंफर्टेबल नहीं हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी आईज़ को कहीं ना कहीं हार्म कर रहा है, क्योंकि तो मुझे नहीं अच्छा लगता. तो मैं क्या करती हूँ, वैसलीन लेती हूँ. वैसलीन को अपने बहुत थोड़ा सा अमाउंट अपने हैंड में ऐसे लेके रब करती हूँ. और ये लैशेज है उसको पुश करते हुए ऐसे अप्लाई कर लेती हूँ. कैन यू सी द डिफरेंस? यस, मुझे भी ये चीज़ बहुत सही लगती है. क्या होता है कि ये थोड़ी सी आपकी जो लैशेस है उसको और अच्छे से हाईलाइट कर देता है और पॉलिश कर देता है. मुझे नहीं पता क्या करता है लेकिन ये काम करता है मस्कारे का. अगर आपको करना है मैं ज़रूर ट्राई करना. दिस इज़ दी हैक विच आई लव. अब पता नहीं कैसे था कि मैं अपनी लिप्स पे लगा रही थी, मेरी आईब्रोज ड्राई हो रही थी, मैंने उस पे लगाया तो मैंने लैशेस पे भी लगा लिया. एंड दैट डे आई डिस्कवर दिस हैक कि यार ये तो बड़ा सही है, मैं तो ऐसे ही क्या करूँगी, मैं मस्कारा क्यों लगाऊँ डेली. सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. और क्या है, थोड़ी सी वैसलीन जो बची है अपने चीक्स पे रब कर लो, हाईलाइट होती है हाईलाइट. तो दिस इज द एवरीडे हैक्स कि कैसे हाईलाइट करना है. हो गया हाईलाइट, लगा लो जहाँ जहाँ पे आपको अपनी ये देखो क्यूब लाइटें जल जाती हैं, बल्ब जल जाते हैं फेस पे, ऐसे. बस ये ही है एवरीडे मेकअप. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप आपको अच्छी लगी हो. आई होप, क्योंकि ये पूरा निचोड़ है मेरे एवरीडे मेकअप का. इससे ज़्यादा मुझे तो वेस्ट ऑफ टाइम लगता है. कॉन्टोरिंग आप ऐड कर सकते हो, कोई भी ब्रश लो, जल्दी जल्दी से कॉन्टोर कर लो अगर आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो मेकअप में. नहीं तो बिगनर हो तो इतने से ही काम चला लो. क्योंकि मैंने शादी से पहले कभी मेकअप नहीं किया था, नेवर नेवर. मतलब अब होता है कि गर्ल्स, इफ़ गर्ल्स आर गोइंग टू कॉलेज दे वेयर मेकअप. हम लोग नहीं लगाते थे, मुश्किल से थोड़ा बहुत काजल लिप ग्लॉस लगा लेते थे, वो भी कभी कभार, वरना वो भी नहीं होता था. तो हम लोगों ने मैंने कभी शादी से पहले कभी मेकअप नहीं किया था. मैंने शादी से बाद स्टार्ट करा और वो ज़रूरत बन गई, क्योंकि डेली तुम्हें कोई ना कोई आ रहा है, तुमसे मिलने के लिए आ रहा है, तुम्हें प्रेजेंटेबल लगना है, वो तुम्हें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं. एक तरीके से तुम्हारी महीने दो महीने तक या पता नहीं कब तक तुम्हारी मुंह दिखाई चलती है. तो उसके लिए तुम ये मेकअप बहुत ही अच्छा वर्केबल सॉल्यूशन था मेरे लिए, और मैंने ये ही करा है. शुरू शुरू में मैं बहुत क्या करती थी, एवरीडे था जब मैं न्यूली मैरिड थी. अब ये बस अगर कोई किया कि स्कूल में स्पेशल ओकेशन है तब यूज़ कर रही हूँ, अगर मॉल जाना है तो यूज़ कर रही हूँ, वरना मैं अगर थोड़ा बहुत यहाँ आ जाती तो मेकअप यूज़ नहीं करती हूँ. मे बी आई स्टार्ट वर्किंग और कोई जॉब लेती हूँ तब शायद मैं कर लूँ, अदरवाइज आई
आई डोंट डू लॉट ऑफ मेकअप, मैं इतना ही करती हूँ. आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. लव यू ऑल. बाय बाय.